हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग खुश हो, अच्छे हो, सेफ हो। तो गाइस, यू नो, अचानक आज मैं जब शाम को एक्सरसाइज कर रही थी ना, तब ये मैसेज आया मुझे। डिवाइन ने कहा कि भाई आज ये इस टॉपिक पे तुझे बात करनी है, यू नीड टू टॉक अबाउट दिस। वो टॉपिक है, जैसे आपको समझ भी आ रहा है टॉपिक देख के, कि मैं आज डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बारे में बात करना चाहती हूँ, कि वो लोग एक होके भी क्यों एक दूसरे से जुदा रहते हैं इस 3D वर्ल्ड में, क्यों सेपरेशन पीरियड होता है, क्यों डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से इतना अट्रैक्टेड होए, इतना प्यार करता है, ट्रू लव है दोनों में, फिर भी वो लोग क्यों अलग रहते हैं? अगर प्यार है तो एक दूसरे के साथ क्यों अच्छे से नहीं रहते? अगर जो और बहुत सारे ट्विन कपल्स में ऐसे होता है कि वो लोग शादीशुदा होते हैं लेकिन उसके बाद भी उनका सेपरेशन हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों एक ही हो के वो लोग अलग क्यों हो जाते? क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आते? इतने सारे चैलेंजेस क्यों आते? अगर ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, अगर ये डिवाइनली गाइडेड है, तो क्यों प्रॉब्लम होती है? क्यों डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा करता है? क्यों डिवाइन फेमिनिन उसके पीछे भागते, उसको प्यार करती है, अपने आप को भूल जाती? क्यों होता है ऐसा, और क्या रीज़न है इस वजह का? अगर ये डिवाइनली गाइडेड है तो इतना क्यों पेन होगा? क्योंकि भगवान तो अपने बच्चों को पेन नहीं देता है, तो सेपरेशन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलेशन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत स्वीट है, हाई लेवल सोलमेट जर्नी में जो लोग होते हैं, जो सोलमेट्स होते हैं, स्वीट कपल होते हैं, बहुत वो लोग भी हाई वाइब्रेशन कपल होते हैं, लेकिन बहुत स्वीट होते हैं, बहुत क्यूट, बहुत जेंटल होते हैं, बहुत लविंग, प्यारा सा क्यूट सा रिलेशनशिप होता है। बात आती है ट्विन फ्लेम्स को कहते हैं कि वो आपका वंस इन अ लाइफ टाइम का लव है, वो सबको नहीं मिलता है, सबका ट्विन फ्लेम नहीं होता है, और जब आपका ट्विन फ्लेम है तो इतना क्यों प्रॉब्लम है? आप जो वो आपका ट्रू लव है आपको पता है, तो क्यों इतना प्रॉब्लम होता है? क्यों डिवाइन फेमिनिन पहले अवेकन होती है? क्यों डिवाइन फेमिनिन फील करती है डिवाइन मैस्कुलिन वो उसका घर है, डिवाइन मैस्कुलिन भी फील करता है लेकिन क्यों भागता है? किस डर से, क्या है वो डर, किस वजह से ये सब होता है? तो आज इस बारे में बात करें। तो सबसे पहले मैं जिसकी अवेकनिंग होती है उसके बारे में बात करूँगी। जैसे आपको सबको पता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले जो अवेकन्ड होता है वो डिवाइन फेमिनिन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इन एवरी केसेस डिवाइन फेमिनिन का अवेकनिंग पहले हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन का भी अवेकनिंग पहले हो जाता है, होता है लेकिन वो रेयर होता है। जब ऐसा होता है तब आपको समझना पड़ेगा कि डिवाइन मैस्कुलिन का जो पहला जो सोल था, जो सोल है वो बहुत ही मच्योर सोल है, मतलब उसका जो सोल है बहुत सारा लाइफ एक्सपीरियंस करके बहुत ज़्यादा वाइज हो चुका है पहले से। उसका सोल वही एक अलग ही डायमेंशन में उसका सोल चला गया, इसीलिए इस जन्म में वो पहले ही अवेकन हो चुका है। कुछ पर्पस रहते हो, उस बारे में आज मैं बात नहीं करूँगी। तो चलिए, जो डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग होती है तो क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले पता है हम लोग को, सबको पता है कि जैसे सब बोलते ट्विन फ्लेम के जो गाइड है, गुरु है, कोच है, मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट एकदम नहीं कर रही हूँ, सभी सही बोलते हैं, जो भी गाइड करते एकदम बढ़िया बोलते हैं कि हाई वाइब्रेशन में रहना है। अगर आप अपने ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हो, खुशियाँ लाना चाहते हो, डिवाइन मैस्कुलिन अपना ट्रू लव जो उसको ट्रैक करना चाहते हो, तो आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है और डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचना नहीं है, अपने ऊपर काम करना है, इनर वर्क करना है कि नहीं? ये आप सबको पता है, जो भी इस जर्नी में हो सबको ये अच्छी तरह से पता है। लेकिन एक चीज़, हाई वाइब्रेशन में कैसे जाए? अगर कोई इंसान को, कोई बंदे को, ऐसे तो हर इंसान हाई वाइब्रेशन में रहना चाहता है कि नहीं? आप में हर कोई इंसान जो दुखी है वो इंसान भी हाई वाइब्रेशन में रहना चाहता है। हाई वाइब्रेशन मतलब खुश रहना चाहते हैं। आप खुश रहोगे, आप जब जिस वक्त आप खुश रहते उस वक्त मिस मीन्स आपका वाइब्रेशन बहुत हाई है, ठीक है? आप यूनिवर्स को पॉजिटिविटी, खुशी खुशियाँ भेज रहे हो। तो
वही चीज़ है, हमेशा बोलते हैं कि हाई वाइब्रेशन में रहना है, सेल्फ लव में रहना है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो सेल्फ लव में भी, सेल्फ लव भी हाई वाइब्रेशन का एक पार्ट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले वो कैसे आएगा, वो सेल्फ लव कैसे आएगा, वो हाई वाइब्रेशन में हम लोग कैसे रहे जब हमारे अंदर इतनी तकलीफ है। ठीक है, इतनी तकलीफ है, पकड़ लो आपका पैर का फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, आपका पकड़ का पैर का फ्रैक्चर हो गया, आप गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, बोन टूट गई, तो आपको तो पैर में दर्द होगा ना। तो दर्द होगा तो दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, जगह बिल्कुल सूजन हो जा रही है, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके उसको फ्रैक्चर को मरहम पट्टी करनी चाहिए, दवाई देना चाहिए, बैंडेड ये सब जो भी है वो सब करना चाहिए। लेकिन आप वो ना करके, जैसे लोग बोलते हैं कि हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए खुश रहना है, अपना नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, नेगेटिविटी फोकस मतलब दर्द में फोकस नहीं करना है, जो नहीं है उसमें फोकस नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हमको जब तकलीफ होती है हम कैसे तब उस तकलीफ को इग्नोर करके जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है हम कैसे उस तकलीफ को इग्नोर करके हम लोग खुश रह पाएंगे। इसका मतलब तो ये है हम इंसान नहीं है, हमारे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अगर ऐसा कर पाते तो तब का कोई बात ही नहीं थी, हम फिर इंसान ही नहीं बनते, लेकिन नहीं हम मशीन हो जाते। तो इंसान में भगवान ने फीलिंग्स दिया है, प्यार दिया है, ताकि वो हर इमोशंस को फील कर सके, वो दुख हो, दर्द हो, खुशी हो, कोई भी इमोशंस हो, प्यार हो, हर चीज़ फील कर सके और उस इमोशन के साथ अच्छे से फ्लो कर सके। तो ये चीज़ समझने बहुत ज़रूरी है गाइस, कि हाई वाइब्रेशन में रहना है, रहना डेफिनेटली हाई वाइब्रेशन में रहना है, लेकिन कैसे हम लोग जब हम लोग तकलीफ में सब गुजर रहे तब अच्छा हम लोग अचानक से कैसे हाई वाइब्रेशन में आ जाए, कैसे आ जाए, नहीं रह पाते ना। बिकॉज ऑफ द रीज़न पकड़, आपका जो पैर टूट गया है, आप बोल रहे हो कि भाई मेरा पैर टूट गया, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और आप बोल रहे हो मेरे को कोई दर्द नहीं है, मेरे को तकलीफ नहीं हो रही है, और आप क्या कर रहे हो, डॉक्टर के पास जा नहीं रहे हो, वो जो दर्द है उसको हील नहीं कर रहे हो, दवाई नहीं रहे हो, और आप चल भी नहीं पा रहे क्योंकि आपको तो दर्द है, असल में आपको तो दर्द हो रहा है, आप फील कर रहे हो, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आपसे चला भी नहीं जा रहा है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ बढ़ते 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 जब आप ज़बरदस्ती चलने का कोशिश करोगे, दर्द होने के बाद भी करोगे, तो ऐसा होगा कि आपका पैर एकदम ख़राब हो जाएगा, आपका जो बोन है जो टूट चुका है वो एकदम चकनाचूर हो जाएगा। एकदम जब कोई बोन चकनाचूर हो जाता है ना, क्रैक आ जाता है, अलग बात है, लेकिन चकनाचूर जब हो जाता है तब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते, बहुत बड़ा सर्जरी करना पड़ता है, बहुत कोई ही होता है, बहुत कोई नहीं होता है, रॉड घुसाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है कि नहीं। तो वैसे ही बात है, हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए पहले आपके अंदर में जो तकलीफ है, जो पेन है, जो डिवाइन फेमिनिन को होती है, सबसे पहले जो डिवाइन मैस्कुलिन से जब वो मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने से पहले उसका सोल अवेकन नहीं रहता है, सोल सोया हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन एक टाइम आता है जब उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, सारी तकलीफ वो सहती रहती है, क्योंकि बिकॉज उस डिवाइन फैमिली नेचरिंग है, मदरिंग नेचर है, उनका तो आदत ही है कि वो तकलीफ सहे और सबको प्यार करे, तकलीफ सहे सबको प्यार करे, स्वीट जेंटल केयरिंग लविंग वुमन जो सबको प्यार देती है, लेकिन बदले में उसको कुछ मिलता नहीं। तो उसी वक्त क्या होता है, आपके अंदर तकलीफ रहती है बहुत, वो जो फ्रैक्चर होता है ना, फ्रैक्चर रहता है आपके अंदर, वो दर्द होता है, लेकिन आप क्या करते हो, उस दर्द को इग्नोर करते हो, सालों भर इग्नोर करते जाते हो। तब देखते जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तब क्या करता है भगवान कि भाई अब तो टाइमिंग हो गया कि अब इसको इस चीज़ ये ऐसे नहीं होना, अब इसके सोल को जगाना है। तो आपका जो सोल अनिवेकन सोल है उसको जगाना है, उसको पर्पस को, भगवान ने तो आपको पर्पस से भेजा है फिर उसको, तो आपके पर्पस को जगाने, आपको पर्पस को, उनके पर्पस को फुलफिल होने के लिए क्या करना है, आपकी सोल को जगाना है, जो सोल सोया हुआ है
उसको जगा के बोलना है भाई तेरा कोई पर्पस है, उस पर्पस पे काम करना है, अभी उठ जा, बहुत सो गया तुमने, बहुत हो गया, अब सो नहीं सकते। तब उसकी जिंदगी में डिवाइन मैस्कुलिन आता है। डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं, उनका पर्पस होता है क्या, वही जो अनअवेकेंड सोल है डिवाइन फेमिनिन का, उसको टैप करे, उसको सिर्फ टैप करके भाग जाए, ठीक है। क्योंकि उनका काम ही रहता है कि भाई डिवाइन फेमिनिन के सोल कर सोल को तो थोड़ा सा टैप कर, टैप करके भाग जा, नज नहीं करना है आपको, सिर्फ टैप करना है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन होती है बहुत नर्चरिंग, जब उनको उस प्यार का एक टैप मिल जाता है ना, वो उनके सोल को वो पागलों की तरह क्रेव करती है डिवाइन मैस्कुलिन को। इसीलिए वो प्यार के पीछे, वो जो प्यार, वो जिसको मतलब जो वो सपने में सोचती थी, जो वो फील करती थी कि भाई जो चीज़ उन्होंने सपने में सोचा था और उन्होंने सोचा कि ऐसा तो कभी होगा नहीं उनके साथ, वो प्यार थोड़े टाइम के लिए वो उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन से मिलता है, फील करती है। जितना भी इग्नोरेंस हो, थोड़ा सा भी, वो अगर एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए भी हो, वो अगर दो दिन के लिए भी हो ना, फिर भी वो इतना पावर है वो उस प्यार में कि वो फील कर लेती, क्योंकि उनकी सोल बहुत ही पहले से ही बहुत सेंसिटिव होती है। डिवाइन फेमिनिन का जो सोल होता है बहुत सेंसिटिव, नर्चरिंग, केयरिंग होता है, क्योंकि भगवान ने सारे इमोशंस फेमिनिन को दिया है, अपना सारा प्यार, सारे इमोशंस फेमिनिन को दिया है ताकि वो बहुत सेंसिटिव बने। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे, थोड़ा सा टैप करके भाग जाएंगे, और वही टैप में ही डिवाइन फेमिनिन अवेकेंड हो जाती है। क्योंकि उनको जो प्यार मिलता है, और वो प्यार मिलने के बाद वो प्यार चला जाता है, वो दर्द वो डिवाइन फेमिनिन जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती, बहुत तकलीफ होती है। डिवाइन फेमिनिन को बचपन से बहुत तकलीफ मिलती है, लेकिन सारा तकलीफ वो बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि उनको अभी तक वो ट्रू लव का फीलिंग उन्होंने कभी फील किया नहीं है, किसी से मिला नहीं, वो सिर्फ देती आई है, गिविंग नेचर है, रिसीव नहीं की है, उसको पता नहीं है कि रिसीविंग चीज़ कैसा होता है, रिसीविंग रिसीव जब थोड़ा सा इंसान करता है कैसी फीलिंग आती है। तो वही कुछ मोमेंट के लिए वो जो रिसीव करती है ना, वो जो हाई वाइब्रेशन वाला प्यार रिसीव करती है, उससे उसका सोल जाग जाता है, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कौन था, ये तो मेरा ही है। उसको समझ में आ जाता है कि ये बंदा जो है उसका ही है, उसके उसका सोल तो पहचान लेता है उस बंदे को, उस अपनी, क्योंकि वो सोल तो उनका ही है, उनका पार्ट है। तो डिवाइन फैमिली तब जाग जाती है, वेकेंड हो जाती है, और उसको उसको उनको जो दर्द होता है ना, वो जो यू नो दिल में जो दर्द होता है, वो उनके डिवाइन मैस्कुलिन के चले जाने के बाद, क्योंकि वो क्रेव करती है उनके प्यार के लिए, प्यार जो थोड़े टाइम के लिए उनको मिला है, वो जो अच्छा वाला फीलिंग फील करवाना जो ज़िंदगी में किसी ने नहीं करवाया है डिवाइन फेमिनिन को, वो कौन करवाता है, वो थोड़ी देर के लिए मैस्कुलिन करवाता है कि शी इज़ वर्दी ऑफ लव, शी इज़ ब्यूटिफुल। तब डिवाइन फेमिनिन को समझ में आता है कि वो कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, वो डिज़र्व करती है लव। तब उनको समझ में आता है ये सारे कनेक्शन में, और वो अपना इनर वर्क करते हैं, कैसे अपने दर्द को, इनर वर्क जो है ना, इनर वर्क का इनर वर्क मतलब हाई वाइब्रेशन में रहना, इसका मतलब ये नहीं अपने दर्द को भूल जाए। अगर आप अपने दर्द को भूल के इग्नोर करेंगे तब हील नहीं हो पाएंगे, जितना इग्नोर करेंगे हील नहीं हो पाएंगे। सारा दर्द, सिर्फ वही दर्द नहीं, सारा दर्द जो जो डिवाइन फैमिली को जिसने जिसने दर्द दिया है, तकलीफ हुई है, वो सारा दर्द फिर सरफेस में आने लगता है, सारा दर्द सरफेस में आने लगता है। क्योंकि अभी डिवाइन फैमिली को इनर वर्क करना है और ट्रांसफॉर्म होना है ए ब्यूटिफुल मच्योर सोल की तरह, ठीक है, एक बटरफ्लाई की तरह ट्रांसफॉर्म होना, डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करती है, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही हाई वाइब्रेशन में आना है। कैसे, आपके अंदर की जो सारी तकलीफ है वो आप फील कर रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई उसने जो मेरे साथ किया अच्छा नहीं है, साथ ही साथ आपके साथ बचपन से लेकर आज तक जो भी होता आया है वो सही नहीं है, जो ट्रीटमेंट लोग आपके साथ कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, आप अपने साथ गलत होने दे रहे हो, वही फील करवाने आता है मैस्कुलिन, और फिर से चला जाता है, क्योंकि आपके सोल सेंसिटिव है, ज़्यादा देर तक रहने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तक आप अवेके नहीं होते हो तब तक।
इसीलिए कभी कभी होता है कोई कोई का बहुत टाइम तक मैस्कुलिन के साथ इन एंड आउट रहता है, कोई कोई का बहुत कम टाइम में ही हो जाता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का सोल अवेकन हो जाता है तब मैस्कुलिन भाग जाता है। वो एक बार में भी हो सकता है, दो बार में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितने, आपका सोल कितना सेंसिटिव है, आप कितने सेंसिटिव हैं। ठीक है, तब क्या होता है डिवाइन फेमिनिन को वो दर्द रियलाइज होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे पता है आप लोगों को भी पता है, फील करते हो हाई वाइब्रेशन में आने के लिए, तब वो तकलीफ़ जो है उस तकलीफ़ से जूझना पड़ता है आपसे, उस तकलीफ़ को हील करना पड़ता है। मतलब आप में जो आपके अंदर में जो फ्रैक्चर हुआ है, जो हड्डी टूट चुकी है, चूर चूर हो रही है, उसको डीप सर्जरी अभी करनी है, क्योंकि फ्रैक्चर तो आपको पहले से हो चुका था, फ्रैक्चर पहले से आपका हो चुका था, लेकिन इसने आके आपने आपके हड्डी को चूर चूर कर दिया। अभी वो चूर चूर हड्डी को लेके आप तो चल नहीं सकते हो ना, कुछ भी थोड़ा सा भी पैर नहीं चल सकते हो, तो आपको क्या करना है, अभी उसको हील करना ही है, अभी उस पैर को उसका मुकाबले उसका सर्जरी करना ही है, उसको हील करना है, रॉड लेके कुछ भी करके उसको ठीक करना है। तो आप क्या करते हो, डीप हीलिंग करते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो कि सर्जरी कर, जो डॉक्टर जो एडवाइस देते हैं वही करते हो। तो वैसे ही डिवाइन फेमिनिन जो है ये तकलीफ़ सहती है, वीडियोस आते हैं उनके सामने, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ उनको दिखने को शुरू हो जाता है, 11 11, 2 2 2, 3 3 3, 3 3 बहुत बाद में आता है, लेकिन 11 11, 2 2 2, फिर 10 10, 12 12, 21 21, ये सारे नंबर सिंक्रोनिसिटीज़, 7 1 7, 17 17, सारे नंबर सिंक्रोनिसिटी भयंकर तरीके से आने लगते हैं। फिर ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस आने लगते हैं, बहुत सोल अवेकनिंग के वीडियोस आने लगते हैं, आपका इंटरेस्ट जाग जाता है भगवान के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपको कोई हील नहीं कर सकता उनके अलावा। आप ये सब ये जो धार्मिक कथाएं हैं, धार्मिक चीज़ें, उनके ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है। ठीक है, आप वही चीज़ करने पर लग जाते हो जिससे आपके सोल को सुकून पहुँचे। आप कोशिश तो करते हो कंट्रोल करने की, फिर तो आपके एक टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि भाई आपसे कुछ होने वाला नहीं है, आप फिर क्या करते हो, सरेंडर कर देते हो भगवान को और बोलते हो भगवान आप मुझे हील कर। और फिर भगवान कभी कभी किसी किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई स्पिरिचुअल गुरुस लाते हैं जो आपके सोल को हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए हेल्प करें, टिप्स दे है ना, स्पिरिचुअल गुरुस को लाते हैं, या कोई कोई इंसान को भगवान खुद गुरु बनते हैं, जैसे साईं बाबा कभी कभी आपको गाइड करते हैं, किसी किसी के गुरु साईं बाबा होते हैं, साईं बाबा आके आपको गाइड करते हैं, या आपके इष्ट देवता जो होते हैं, इष्ट गुरु जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो आके आपको गाइड करते हैं, कभी कभी जीसस आके आपको गाइड करते हैं, वही आपके स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं इस ये जर्नी में। ठीक है, कोई कहीं किसी के इंसान में कोई गुरु बन जा, कोई गुरु तो होता है जिस जो हेल्प करता है उस इंसान को कि भाई तुम्हारा सोल को भी ट्रांसफॉर्म होने का ज़रूरत है। अभी जो तुम कर ये जो आप एक कंफर्ट जोन में रह रहे हो, आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इससे आपको निकलना है। आपका दवाई क्या है, आपके आसपास में जो हो रहा है वो सही नहीं है, मतलब आप गलत चीज़ें ले रहे हो, गलत दवाई पी रहे हो, इसलिए आप हील नहीं हो रहे हो। तो आपको गलत दवाई पीने से आप हील नहीं होगे ना, आपको सही दवाई लेनी पड़ेगी। तो आप डिवाइन फैमिली का सही दवाई तब क्या होता है कि भाई आपके अंदर में जो नेगेटिविटी है वो दूर करना है, मतलब आपके आसपास में टॉक्सिक जो एनर्जीज है, जो सराउंडिंग्स है, उससे आपको दूर रहना है, जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी ज़िंदगी में उसको बाहर निकालना है। आपके साथ जो भी कोई गलत करेगा उसको चुपचाप से सहना नहीं है, उसका मुँह तोड़ जवाब देना है पोलाइटली इन असर्टिव वे, एंड वो सारे इंसान को सारे गंदगी को अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकना है और अपने आप के ऊपर फोकस करना है। जो चीज़ आपको करने में खुशी मिलती है वो चीज़ करना है आपको। और डिवाइन फैमिलीज बहुत क्रिएटिव होती है, भगवान क्रिएटिव बहुत बनाता है डिवाइन फैमिलीज को, मैस्कुलिन को भी। ठीक है, तो उस चीज़ पे फोकस करना है। तो नॉ स्पिरिचुअल गुरुज तब क्या करते हैं, जो भी हो, कोई इंसान के रूप में हो या भगवान के रूप में, वो क्या करते हैं, वो आपसे कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, एंजल स्पिरिट गाइड सब कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अनअवेकेंड हो ना, आपका सोल अवेकन जब होता है तब भी तो पूरा चक्रास अलाइंट नहीं होता है, तो चक्रास अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। तब क्या होता है कि भगवान इसीलिए सारी जो वीडियोस देखकर आपको उसमें सब लोग बोलते होंगे कि भाई इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो,
योगा करो, इससे क्या होता है आपका जो चक्रास है वो बैलेंस्ड होता है, वो जो डिसबैलेंस था, इम्बैलेंस था, गंदगी थी चक्रास में, गंदगी मैल पड़ी हुई थी, वो सारा मैल क्लेंस होता है, क्लीनिंग होती है, गंदगी निकल जाती है और धीरे धीरे चक्रास अलाइनमेंट में आने लगते हैं। और चक्रास जब अलाइनमेंट में आते हैं ना, कमाल की ज़िंदगी बनती है, क्योंकि डिवाइन के आपका आपका एक हायर पावर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जो जो कनेक्शन लूज हो गया था, जिस रास्ते से आप भटक गए थे, वो कनेक्शन फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डिवाइन का मैसेज आप रिसीव करने लगते हो, क्योंकि पहले भी डिवाइन आपको मैसेज भेज रहे थे लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि डिवाइन का वाइब्रेशन बहुत हाई होता है, आपका वाइब्रेशन उस लेवल पर नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पाते हो इसीलिए आप। तो आप क्या करते हो, आप जब ये सब चक्रास में इनर वर्क करने लगते हो, मेडिटेशन करने लगते हो, अच्छी चीज़ें पढ़ने लगते हो, क्रिएटिविटी पे ध्यान देने लगते हो, अपने आप पे ध्यान देने लगते हो, और वो सारे नेगेटिविटी हटाते हो, जो कि दवाई है आपका, वो सारे टॉक्सिक एनर्जीज आपकी ज़िंदगी से हटाने लगते हो, क्लेंस करने लगते हो अपने लाइफ को, प्योरीफाई करने लगते हो, अच्छी चीज़ें इनटेक करते हो, अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में लाते हो, आपको अच्छा लगता है, तो आप खुश, आपको जब अच्छा लगता है, आप जब खुश होते हो ना, अंदर से आप देखिएगा आपका आपका त्वचा, आपका स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करने लगता है, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, आप खूबसूरत लगने लगते हो। एंड रिमेंबर वन थिंग गाइस, व्हेन यू फील गुड यू विल लुक गुड, एंड यू विल लुक गुड यू विल वर्क गुड। आप अच्छा फील करते हो तो आपका चेहरे में वो निखार आता है, आपका चेहरा खूबसूरत लगता है तो आप ऑटोमेटिकली और भी ज़्यादा अच्छा फील करते हो और अच्छा काम करते हो और भी अपने ऊपर फोकस करते हो। तो डिवाइन वही बोलते हैं कि अपने ऊपर बच्चे फोकस करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को पैम्पर करो, बच्चा अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को प्यार करो। तुम अपने आप को प्यार करोगे ना, खुश रहोगे, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, और वही आप करते हो, आपके अंदर में सारे दुख दर्द जो है वो सरफेस पे आ जाती है, वो आप फील करते हो और आप उस चीज़ को एक एक करके हटाते हो अपनी ज़िंदगी से, वो गंदगी जो है, वो टॉक्सिक एनर्जीज जो है, वो सब चीज़ को हटाते हो। बदला नहीं लेते हो, नो, डिवाइन फेमिनिन कभी बदला नहीं लेती, डिवाइन फेमिनिन कभी रिवेंज नहीं लेती, उनका वेंजेंस वाला एटीट्यूड कभी नहीं रहता है। जो डिवाइन फेमिनिन में वेंजेंस वाला एटीट्यूड है, शी इज़ नॉट अ ट्रू डिवाइन फेमिनिन, याद रखना, डिवाइन फेमिनिन कभी भी वेंजेंस नहीं लेती, क्योंकि डिवाइन, शी इज़ डिवाइन, डिवाइन वेंजेंस नहीं लेता है। प्रतिशोध की भावना अपने मन से निकाल फेंकना है, प्रतिशोध का भावना जिसकी इंसान के रहता है वो कभी भी डिवाइन से कनेक्टेड नहीं होता, उसके ज़िंदगी में डिवाइन हमेशा बोलता है कि भाई प्रतिशोध की भावना से कुछ नहीं करो, कोई आपको पसंद नहीं करता है, इट्स ओके, फाइन, वो उसका पर्सपेक्टिव है, आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से प्यार से सर्टेनली हटा दो, लेकिन वेंजेंस नहीं, नो, वेंजेंस नहीं, कोई रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं, भाई तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तेरे साथ ऐसा करके तेरे को समझाऊंगा, डिवाइन फेमिनिन कभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि उस उनके अंदर प्यार होता है, बहुत प्यार, सबके लिए बहुत प्यार होता है, वो काइंडनेस से वाइब्रेट करते, ग्रैटिट्यूड से वाइब्रेट करते, कंपैशनेट एनर्जी से वाइब्रेट करती है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई उसके साथ गलत करे तो असर्टिवली प्यार से वो बोलती है कि नहीं, ये सब नहीं सहूंगी और ये सब नहीं करना है। और डिवाइन, ट्रस्ट मी गाइस, जब डिवाइन फेमिनिन अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन में आ जाती है ना, अब कोई भी डिवाइन फेमिनिन के साथ मेस नहीं करता, कोई भी नहीं, कोई भी डिवाइन फेमिनिन के साथ वो पहले वाला बर्ताव कर नहीं पाता, क्योंकि वो लोग पहले से समझ जाते हैं कि भाई इस ये ऐसे हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करती है कि कोई भी डिवाइन फेमिनिन के साथ आके मेस करता ही नहीं है, समझ में आ जाता है कि भाई नहीं, इसके साथ नहीं कुछ करना है, भाई हम लोगों परे ही, गलती से भी नहीं करते, वैसा बिहेवियर भी लोगों का आपके प्रति, जो लोग आपको नेगेटिविटी से देखते हैं ना, वो लोग का बिहेवियर आप लोग देखना, अगर आपके आसपास होंगे भी तब तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका वाइब्रेशन चेंज हो रहा है, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप कोई भी किसी का बुलशिट नहीं ले रहे हो, और उसके बाद धीरे 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 डिवाइन फेमिनिन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ब्यूटिफुल बटरफ्लाई की तरह वो हो जाती है और वो फ्लाई करती है, विंग्स डेवलप होते हैं और वो फ्लाई करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे टैप करके, यू नो, वो बहुत प्रोस्पेरस हो जाती है, प्रोस्पेरिटी आती है, अबंडेंस आता है,
हाई वाइब्रेशन दोस्त अट्रैक्ट करते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं, सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं कि भाई ये क्या करूँ वो क्या करूँ, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको सही एडवाइस दोगे, कोई भी गलत एडवाइस नहीं दोगे, कोई भी ऐसा ख़राब चीज़ नहीं बोलोगे भाई रिवेंज लो ऐसा लो, क्योंकि लोगों को पता है कि आप कंपैशनेट हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत सही है, आप नेगेटिविटी से वाइब्रेट नहीं करते, पॉजिटिविटी से वाइब्रेट करते। तो यही चीज़ होता है, यही होती है डिवाइन फेमिनिन। और डिवाइन फेमिनिन जब अपने ट्रूएस्ट फॉर्म में हो जाती है, एक अवेकेंड डिवाइन फेमिनिन जो होती है, वो जब अपने ट्रूएस्ट फॉर्म में हो जाती है, शी बिकम्स सो अट्रैक्टिव टू एवरीवन कि सब लोग उनको डेट करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, उनके नज़दीक आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। सारे लोगों को, सिर्फ मैस्कुलिन को नहीं, सारे लोगों को अट्रैक्टिव लगती है, कोई भी कुछ भी एज हो जाए उनका, उनका ऑरा इतना ज़्यादा सुंदर होता है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन को कोई टेम नहीं कर पाता। जो एक मैस्कुलिन में मैस्कुलिन की एनर्जी होती है ना कि टेम करना है, क्योंकि मैस्कुलिन एक हीरोइन जैसे हर लड़के को फील होना होता है ना कि हीरो एंड द हीरो एक किंग की तरह फील होना होता है, तो वो चीज़ वो डिवाइन फेमिनिन के सामने फील नहीं कर पाते, इसीलिए डिवाइन फेमिनिन से वो लोग बहुत डरते हैं। सारे लोग डेट तो करना चाहते हैं, लेकिन इट्स नॉट ईजी टू टेम अ डिवाइन फेमिनिन, इट्स नॉट ईजी। क्या आप कभी भी डिवाइन फेमिनिन को टेम नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इज़ नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस, वो हमेशा एक बराबर का पार्टनर सोचती है, बराबर का पार्टनर खोजती है। वो कोई आप उनका ट्विन फ्लेम हो या हाई लेवल सोलमेट हो, जो कोई भी हो, हाई वाइब्रेशन में इंसान जो है, जो उनका एकदम बैलेंस्ड है, जो एकदम हाई वाइब्रेशन में, उनके वाइब्रेशन में वैसे इंसान को वो एंटरटेन करती है, अदरवाइज नो बुलशिट को वो एंटरटेन नहीं करती। आप उसको कितना भी वैल्यू करो, कभी भी आपको बेइज्जत कभी नहीं करेगी, लेकिन आपको कभी वो जगह, वो जो वो डिवाइन फेमिनिन अपने आप को जिस जगह पे देखती है, उस जगह में वो आपको नहीं बिठा पाएगी, क्योंकि वो हमेशा चाहती है अपने मास्टरिंग को भी एक ऊँचे दर्जे में बैठाना। वो जिस दर्जे में अपने आप को देखती है, उसी इक्वल दर्जे में अपने मास्टरिंग को भी देखना चाहती है। और यही होता है कि मास्टरिंग जो है, मैस्कुलिन इन एंड आउट क्यों करता है, क्यों डर जाता है डिवाइन फेमिनिन के साथ थोड़े दिन गुजारने के बाद, क्यों भाग जाता है? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मैस्कुलिन के लिए भी ये डिवाइन जो फेमिनिन होती है, ये जो फीलिंग फील करते हैं डिवाइन फेमिनिन के साथ थोड़े पल बिता के, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, फियरफुल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा फीलिंग उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी फील नहीं किया है, किसी के लिए भी नहीं। उन्होंने बहुत सारे डेट कर सकते हैं, उन्हें बहुत, उनको लगता है कि भाई मैंने इससे बहुत प्यार किया, उससे प्यार किया, लेकिन जब उनके साथ में आते हैं तब सब कुछ उनकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन टर्न हो जाता है। जैसे फेमिनिन की ज़िंदगी में होती है ना, और फेमिनिन भाग जाते हैं मैस्कुलिन का ट्रांसफॉर्म, फेमिनिन उस वक्त अपने आप में काम करते हैं, ऐसे मैस्कुलिन की ज़िंदगी में उस वक्त होने लगता है, क्योंकि जब वो चला जाता है, जैसे लड़कों में, लड़के कम सेंसिटिव होते हैं, लड़कियों को हर चीज़ ना बाद में रियलाइज़ होता है, खुद ही ब्रेकअप होता है ना लड़कों में, तो लड़के पहले बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन बाद में उनको वो फीलिंग, वो तकलीफ जो है बाद में फील होती है। लड़के होते ही ऐसे, ठीक है, भगवान बनाया ऐसा है, ठीक है। तो वही होता है जब डिवाइन फेमिनिन हाइट्स वाइब्रेशन में चली जाती है, वर्क करती है, तब डिवाइन मैस्कुलिन का अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग शुरू हो जाता है। अवेकनिंग कैसे शुरू हो जाता है? डिवाइन मैस्कुलिन भागते क्यों है? भागते हैं उनके प्यार से। वो जो प्यार का टेस्ट जो उन्होंने कर लिया डिवाइन फेमिनिन के साथ, उस चीज़ से वो डर गए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन तो बहुत नर्चरिंग है, बहुत प्यार दिया मैस्कुलिन को, ट्रू लव दिया। जो डिवाइन फेमिनिन थी, अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन जो है, अवेकन डिवाइन फेमिनिन कभी भी अपना सब कुछ उजाड़ करके नहीं देगी, वो रिसीव भी करेगी फिर देगी, बैलेंस रखेगी। लेकिन अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन जो है, वो क्या करेगी, वो देती रहेगी, ओवरफ्लोइंग कप है ना उसका, वो बहुत प्यार देती रहेगी। और वो डिवाइन मैस्कुलिन यूज तो नहीं है वैसे प्यार से, वैसे इतना खूबसूरत वाला प्यार से, वैसा फीलिंग कभी उन्होंने रिसीव किया ही नहीं किसी के साथ,
अपने माँ के पास से भी वैसा फीलिंग उन्हों को कभी नहीं मिला होगा, वो वाला नर्चरिंग फील। तो वो चीज़ जब उनके साथ होता है ना, तो उनको लगता है कि भाई ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये मैं बह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, या तो शायद और भी ज़्यादा डरते, शायद उनकी शादी हो चुकी होती है या वो कैसेनोवा टाइप के होते हैं, उनको ये सब रिलेशनशिप में ये सब चीज़ में विश्वास नहीं है, और जब लगता है ये कुछ मामला सीरियस होता है, ये फीलिंग्स थोड़ा गहरा हो रहा है इस लड़की के लिए, तब वो भाग जाते हैं। उनको लगता है कि भाई नहीं भाई मेरी ज़िंदगी को बिगड़ जाएगी, मैं शादीशुदा हूँ या मेरा किसी और के साथ रिश्ता है, या मेरे को ये सब चीज़ में पढ़ना ही नहीं है, सब लव वव में पढ़ना नहीं है। तो इस चीज़ से, इस डर से, ये जो आप उनके सोल को एक एक जो हल्का सा टैप, एक मसाज जो देते ना प्यारा सा, तो उस चीज़ से वो डर जाते, वो भाग जाते, क्योंकि तब आप अनअवेकेंड थे, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन वो वाला प्यार उन्होंने कभी फील नहीं किया था, तो इसलिए वो भाग। और जब भाग गए, आपने अपना काम कर लिया, उसी वक्त फिर वो अपने काम में काम करते रहते हैं, जैसे पहले की ज़िंदगी उनकी चलती है वो चल रहा है। लेकिन आपने जब अपना काम कर लिया होता है, तब उस वक्त में भयंकर वाली उनको सिंक्रोनिसिटीज होने लगती, जो आपके साथ हुआ था। हर वक्त आपका नाम फ्लैश आउट होगा, नंबर्स फ्लैश आउट होंगे हर जगह पे। आप इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, या तो नाम सुनाई देगा या सपना देखने लगेंगे, या कोई आपका नाम बोलेगा, कॉमन फ्रेंड्स हो सकता है किसी के थ्रू, मतलब आप उनको आपका नाम जैसे आपको उनको सुनाई देता था, दिखाई देता था उनका नाम और नंबर से एवरीथिंग, उनको वो सब चीज़ होने लगेंगी, तो भयंकर तरह से होने लगेंगी। क्योंकि मैस्कुलिन ना बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पावर पोजीशन सब कुछ होता है, तो वो ये सब चीज़ से ना डस से मस नहीं होते, वो जल्दी समझने वालों में से नहीं होते, सरेंडर करने वालों में से नहीं होते, कंट्रोलिंग फ्रीक है। तो डिवाइन तो छोड़ने वाला नहीं है, डिवाइन अपना पर्पस पूरा करके रहेगा, तो उनके साथ भयंकर वाली चीज़ होती है, भयंकर वाली, मतलब इतना डिवाइन उनको नर्च करेगा ना, इतना नर्च करेगा ना कि वो बौखला जाएगा, वो एकदम बौखला जाता है कि उनके साथ अभी ये सब क्या हो रहा है, वो पूरा पागल हो जाएंगे। क्योंकि आपने उनको सोल को वो टेस्ट दे दिया है, क्योंकि सोल ना, हर इंसान का सोल एक चीज़ अर्ज करता है, आपने उसके सोल को अभी जगा दिया है, उनका सोल जग गया है, और उनका सोल जो है ऐसे ही आपकी जो एनर्जी है ना, वैसे एनर्जी वो उनका सोल, वैसे ही प्यार उनका सोल चाहता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में तो वैसा प्यार है नहीं, शादी हो चुकी होती है किसी किसी का, या किसी किसी का प्यार में से कोई विश्वास नहीं रहता है, इसीलिए बहुत लोग के साथ कार्मिक रिलेशनशिप अकाउंट बना के रखे हुए होते हैं, वो सब चीज़ों से वो लोग डील करते हुए रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी का अपसाइड डाउन हो जाती है, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। पहले तो आने में किट थे, तब जो चल रहा था वैसे ही वो चला रहे थे, और वैसे ही लग रहे थे कि झूठी ज़िंदगी में, झूठी तसल्ली में वो जी रहे थे। लेकिन आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनकी अवेकनिंग हो जाती है और वो पागल हो जाते हैं, उनके ज़िंदगी में टावर मोमेंट होने लगता है, क्योंकि उनका सोल अवेकन हो जाता है। टावर मोमेंट तभी होता है जब सोल अवेकनिंग होती है, उनको वो दर्द होने लगता है, जो दर्द आपको हुआ था ना, उससे कई गुना ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत मिस फैला हुआ रहता है, जितना ज़्यादा कार्मिक अकाउंट है उतना ज़्यादा मिस होता है। तो वो, और वो जितना सारे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना तकलीफ भी उनको ज़्यादा होगा। तो जैसे डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं बहुत कंट्रोल फ्रीक, तो हर चीज़ वो मैनिपुलेट करने की, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, तकलीफ को, दर्द को, जैसे लड़कों का नेचर होता है वो इग्नोर करते हैं, फ्रैक्चर होता है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन भाई नहीं कोई बात नहीं। तो डिवाइन बलात्कार करता है, उसके बाद चकनाचूर कर देता है, उनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट ऐसा भयंकर होता है ना, चकनाचूर हो जाता है सब कुछ, मतलब तब वो कुछ कर नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, जो जितना डीप बनता है, जितना मैस्कुलिन उनकी ज़िंदगी में उतना ही बड़ा टावर मोमेंट होता है, क्योंकि सोल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और सोल का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोल जब कुछ मांगता है ना, अर्ज करता है ना, तब आप उस चीज़ से अपने आप को कभी भी रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपका सोल जाग गया है, अभी जाग गया है, उसको वो चीज़ चाहिए, वो फीलिंग चाहिए, वो सब कुछ चाहिए, उसका वो
उसको अपना काम करना है। अब काम करने के लिए वो आपको सबके सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ भेजेगा, रिसीव करेगा, आपके दिल को मैसेज भेजेगा कि भाई जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन मैस्कुलिन का भी होता है। मैस्कुलिन का ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत टाइम लगता है क्योंकि मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा डीट होते हैं, बहुत डीट होते हैं, ठीक है। वो ताका झाकी करते हैं मैन फेमिनिन की लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ताका झाकी करते हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंट्रोल भी रखना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी यू नो एक कंट्रोल में रखना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनिन और थर्ड पार्टी ऐसा करते हैं। मतलब बड़े ही डीट है वो अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहते हैं, लेकिन भाई उनके हिसाब से सब कुछ नहीं चलने वाला है, ये उनको समझ में नहीं आता है। भगवान के हिसाब से चलेगा क्योंकि भगवान ने उनको एक पर्पस के लिए बुलाया है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो फिर उनके ज़िंदगी में टावर मोमेंट आता है, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता उनके मैरिड लाइफ में हो या मैरिड अगर नहीं है तो नॉर्मल लाइफ में भी हो, सब कुछ ख़राब होने लगता है, सारे रिलेशनशिप जो है सब बिगड़ने लगते हैं। फिनेंशियल स्टेटस जिससे जो चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा मोह है ना, वो सारा चीज़ क्रश एंड क्रम्बल हो जाता है। पैसों से मोह है क्रम्बल हो जाता है, फिनेंशियल स्टेटस डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैसों पे घमंड है डाउन हो जाता है, रिश्ता डाउन हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, हर तरह से उनके लाइफ में प्रॉब्लम होना शुरू करता है, हर तरह से सारे प्रॉब्लम एक साथ मिलके उनको झंझोर के लगते हैं, एकदम एक साथ पकड़ लेते सारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब तक उनके ज़िंदगी में एकदम ड्रास्टिक वाला चीज़ नहीं होगा ना, तब तक वो लोग सुधरने नहीं वाले, वो ट्रांसफॉर्म नहीं करने वाले, वो है ही नहीं, चूर चूर हो जाएंगे फिर भी वो लोग क्या सुधर, वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, एक विशेष जो पैटर्न है वो रिपीट करते ही जाएंगे। तो इसीलिए मैस्कुलिन के साथ ज़्यादा भयंकर वाली यू नो टावर मोमेंट होती है, वो सब चीज़ एक साथ उनको पकड़ के जकड़ लेती है सारी मुश्किलें, जो जितना ढीठ होता है, कोई कोई मैस्कुलिन सब नहीं होते, कोई कोई मैस्कुलिन यू नो पहले से ही थोड़ा बहुत अवेकेंड होता है, सोल अवेकेंड होता है थोड़ा बहुत, तो वो लोग थोड़ा बहुत में थोड़ा टावर मोमेंट में उनका ठीक होता है, लेकिन कोई कोई बहुत ढीठ होते हैं। तो आई एम श्योर आप लोग समझ में, आपको लोगों को फैमिली समझ में आ रहा होगा। तो उन लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है कि सारे प्रॉब्लम, फिनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, दोस्तों के साथ प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम एक साथ जकड़ लेते हैं, मतलब किसी के साथ उनका कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहता, सारा रिलेशनशिप जो वो पकड़ के रखे थे, वो बहुत ब्रैग करते थे, वो सब कुछ क्रम्बल डाउन हो रहा है, उनको लग रहा है कि भाई सब धोखा है, ये मैं किस मोह पास में जी रहा था, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है, किसको पकड़ के मैं थोड़ा सा दो आंसू टपका नहीं पाता हूँ, दो प्यार की बातें नहीं कर पाता हूँ, कोई प्यार की बातें दो प्यार, जब उनका फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब होने लगता है, अगर उनके कोई नज़दीकी वाले हैं जो कार्मिक्स होते हैं, एक नहीं बहुत सारे हो सकते, वो सारे और भी ज़्यादा ख़राब तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि कार्मिक से वो लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है ना, तो कार्मिक उस वक्त उनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा हेल्प करके रखते हैं, उस टाइम और भी ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है, कि पैसों की तंगी होती है, पैसों की तंगी होती है, उनको और भी ज़्यादा कार्मिक तकलीफ नहीं देंगे तो कैसे उनका सोल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कार्मिक उनका ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, मेन रीज़न होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ होती रहती है, सारी चीज़ झंझोर के रख देती है, और ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसके बाद उनको लगता है कि भाई बहुत हो गया, अब मैं नहीं सह सकता ये सब, तब जाके वो अपना विशेष साइकिल स्टॉप करता है, कार्मिक जो साइकिल है वो स्टॉप करने की कोशिश करता है और अपने ऊपर काम करता है, अपने हीलिंग के ऊपर काम करता है, जो बचपन से जो तकलीफें उन्होंने सही है वो भी तब उसके ऊपर काम करते हैं, उनकी हीलिंग में बहुत टाइम लगता है, जिसका जितना ज़्यादा कार्मिक अकाउंट है, जितना ज़्यादा दर्द है, उनको उतना हीलिंग में टाइम लगता है, टाइम तो लगता है, हीलिंग इज़ अ प्रोसेस, कि उसमें जल्दबाजी नहीं हो सकती कि भाई जल्दी जल्दी में करो, जल्दी जल्दी में सब कुछ करो तो जल्दी जल्दी में यूनियन हो जाएगा, यूनियन के लिए कुछ नहीं करो, जो भी करो अपने लिए करो, सबके भगवान का यही चीज़ है भाई, यूनियन के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी करना है अपने लिए करना है, अपनी खुशी के लिए करना है, अपने दर्द के लिए नहीं, अपने दर्द के लिए करना है, यूनियन के लिए कुछ नहीं करना, यूनियन हो या ना हो आप लोग एक ही हो पाएंगे, ठीक है।
तो तब क्या बोलो, अपने जो हीलिंग होती है, जो तकलीफ होती है, लड़के जैसे होते हैं कि तकलीफ होती है फिर भी छुपा के रखते हैं, लेकिन तब वो भी अपने आप को हील करने लगते हैं, कार्मिक जो अकाउंट्स होते हैं वो क्लोज करने लगते हैं, शायद भी बॉस हो या दोस्त है या फैमिली मेम्बर्स है उनको हटाने लगते हैं, उनसे दूर होने लगते हैं, बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं होना है, ऐसे ऐसे ही होना है, जो टॉक्सिक फ्रेंड्स है उनको रिलीज कर देते हैं, अच्छा स्टार्ट करते हैं ज़िंदगी में, कोशिश करते हैं अच्छा स्टार्ट करने की, जो टॉक्सिक यू नो हैबिट्स था वो टॉक्सिक हैबिट्स रिलीज करते हैं, अच्छे दोस्तों के साथ घुल मिलते हैं, अपने आप एक हरमिट मोड पे पहले कुछ दिन के लिए चले जाते हैं ताकि वो सब कुछ रियलाइज़ कर सके, फील कर सके, वो सारा दर्द फील करते, डार्क नाइट ऑफ द सोल में ये सब फील करते, बहुत तकलीफ होती है, बहुत खून के आंसू जो होते हैं ना वो दिल खून के आंसू होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हर रात हर रोज़ आपके सपने देखते हैं, बहुत क्रेव करते, सेक्शुअली इमोशनली हर चीज़ में क्रेव करते, लेकिन वो क्या होता है तब आप उनको मिलते नहीं, बहुत डरे हुए रहते हैं आपके साथ बात करने के लिए, मरते हैं लेकिन डरे हुए रहते हैं कि आपके पास किस मुंह से आपके पास आए, क्योंकि उनका सोल जाग चुका है, तब उनको पता चल गया उन्होंने आपके साथ गलत किया, गलत बिहेवियर था उनका आपके प्रति, तो किस मुंह से आपके पास आए, शर्मिंदा होते हैं बहुत ज़्यादा, और तब वो अपने ऊपर काम करते हैं, हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, भगवान के पास, भगवान के शरण में जाते, वैसे तो भगवान की शरण में वो पहले से ही होते हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं वो लोग, कुछ कुछ लोग एग्नोस्टिक होते हैं तो वो लोग भी भगवान को मानना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, हाई वाइब्रेशन की बातें करते हैं, ठीक है, तो ये सब करते रहते हैं वो लोग, वो धीरे धीरे उस वक्त में शायद आप लोग कॉन्टैक्ट भी करें, आप लोग फेमिनिन जब हाई वाइब्रेशन में होंगे हाई कॉन्टैक्ट कभी कभी कॉन्टैक्ट भी करते हैं मैस्कुलिन को, तभी भी आपको लगेगा कि कुछ कुछ मैस्कुलिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं या अजीब तरह से बात करते हैं कि वो बातें उन्होंने पहले कभी नहीं की, ठीक है, लेकिन इस सब चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको अपने काम में ध्यान देना है, आपके पर्पस पे ध्यान देना है, ठीक है, ना ही खराब बिहेवियर करना है ना ही कुछ करना है, कोई उनको कोई वैल्यू या कुछ भी नहीं करना है, खराब बिहेवियर नहीं करना है, अच्छा भी बिहेवियर नहीं करना, ठीक है, आपको उस वक्त जैसा फील हो वैसा करना है, लेकिन नो वेंजेंस नो रिवेंज फुल एटीट्यूड, ओके, भगवान के शरण में रहना है और उनको हील होने देना है, कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप कर सकते ना ही वो कर सकते, सिर्फ भगवान के तो शरण में आपको आना है, दोनों को, आप तो आपको तो समझ में आ चुका होता है क्या करना है नहीं करना है, भगवान आपसे कनेक्टेड है, आपको समझ में आ रहा है, आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, आपका क्राउन चक्र अवेकन हो चुका होता है, डिवाइन का मैसेज आपको मिलता है हमेशा, लेकिन उनका अभी तक नहीं हुआ है, वो उस वाइब्रेशन में जब जाएंगे ना तब जो आप लोगों का यूनियन होगा, 3D यूनियन जिसको बोलते हैं, वो बहुत बेहतरीन होगा, और ये चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ यूनियन होने के बाद ही स्टॉप नहीं हो जाता, यूनियन होने के बाद भी ट्विन फ्लेम्स का जो सोल ग्रोथ होता है वो अलग ही डायमेंशन पे होता है, जो हायर लेवल सोलमेट के साथ भी नहीं हो सकता है इतना, बिकॉज हर मोमेंट में चैलेंज है, आपको क्या लगता है उसके बाद आपकी ज़िंदगी एकदम स्मूथ हो जाएगी, भाई यूनियन हो गया, मैं हाई वाइब्रेशन उसका हाई वाइब्रेशन अभी परफेक्ट नहीं, चैलेंजेस हर वक्त आएंगे, क्योंकि आप भी उनको चैलेंज करेंगे वो भी आपको चैलेंज करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, एक हो लेकिन ऑपोजिट हो, मिरर इमेज बोलते हैं ना, मिरर में क्या होता है, एक दूसरा आप अपना चेहरा ही देखते हो लेकिन आप अपना डान यू नो राइट हैंड जब रेस करते हो वहाँ पे उल्टा हैंड रेस हुआ होता है, तो वही चीज़ होता है, मिरर इफेक्ट होता है, तो एक दूसरे को हमेशा चैलेंज करते रहते हो, कभी गेम करने की कोशिश नहीं करते हो, जैसे एक दूसरा आप वो है वैसे आप उनको एक्सेप्ट करते हो, अनकंडीशनल लव देते हो, टेम नहीं करते, जो डिवाइन फैमिली को हर लोग कोशिश करते हैं कि टेम करने की, जो पहले मैस्कुलिन जो हाई वाइब्रेशन में सेम वाइब्रेशन में है रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि फेमिनिन को टेम करने की, क्योंकि फेमिनिन तो ये डिवाइन फेमिनिन तो बहुत अट्रैक्टिव है, शी इज़ अ वाइल्ड सेक्रेट फेमिनाइन ओशन, वाइल्ड सेक्रेट फेमिनाइन ओशन में कौन डुबकी लगा सकता है, कौन तैर सकता है, स्वयं भगवान शिव के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पता है ना वाइल्ड ओशन कैसा होता है, अगर आप
एक बहती हुई प्यारी सी नदी हो तो कोई बात नहीं है, स्वीट एकदम स्वीट फ्लोइंग नदी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन अपने हाइस्ट फॉर्म में आती है तब वो एक वाइल्ड सीक्रेट फेमिनाइन मोशन होती है और वहाँ पे हर कोई डुबकी नहीं लगा सकता है। स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैस्कुलिन जो शिव का शक्ति लेके शिव का शक्ति रखता है अपने अंदर वो और वाइब्रेशन में रहता है वही डुबकी लगा सकता है, क्योंकि उनमें क्षमता है वो नदी को शांत कर सके, उस नदी उस अशांत नदी को उस अशांत नदी में तैर सके। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी वैसी है और डिवाइन मैस्कुलिन है, इसीलिए तो कहते हैं शक्ति और शिव, शिव की शक्ति है डिवाइन फेमिनिन। और शिव को भगवान शिव तो पता है ना कितने सैक्रिफाइसिंग हैं, कितने लविंग हैं, कितने प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने पूरा धरती को बचाने के लिए विषपान कर लिया था गले में, उनका बदन जल रहा था लेकिन फिर भी उन्होंने गले में विषपान करके रखा था ताकि सब लोग बच जाए। तो सोच सकते हैं कितना पावरफुल है, वही पावरफुल एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन को आना होता है ताकि उन डिवाइन फेमिनिन के वाइल्ड सेक्रेट ओशन में वो तैर सके, डुबकी लगा सके, उसको उसको एक सुंदर सा एक परफेक्ट उसको बोलते परफेक्ट ह्यूमन। और वो लोग मिलके दोनों मिलके एक जब हो जाते हैं पावरफुल, दोनों ही पावरफुल हैं, दो दोनों पावरफुल इंसान समझ सकते हो कितना पावरफुल, कितना हाई वाइब्रेशन फैलाएंगे, लव एंड लाइट फैलाएंगे। वो कैसे भी करती हो वो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दोनों का शादी हो जाए या प्यार में रहो, दोस्त बन के भी आप लोग ये काम कर सकते हो। कभी कभी कुछ चीज़ों में ऐसा होता है, थ्री डी में कुछ ऐसा लेट प्रोसेस जब हो जाता है अवेकनिंग में हीलिंग में, तो कभी कभी फेमिनिन या मैस्कुलिन का यू नो हाई लेवल सोलमेट के साथ, स्पेशली फेमिनिन का हाई लेवल सोलमेट के साथ बाद में शादी हो जाती है, सब कुछ ये हो जाता है, ठीक हो जाता है और फिर वो लोग दोस्त बन के ही काम करते हैं। ऐसा भी होता है, नॉट नेसेसरी कि शादी ही को ही आप यूनियन कहो। ओके, तो ये था मेरा मैसेज आपके लिए आज, आई होप आप समझ पाए हो ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। ये सेपरेशन पीरियड में आपको बहुत चीज़ें आप अपने अंदर दोनों ही फील करते हो, स्पेशली जब आपका सोल अवेकेंड हो जाता है, सोल बहुत कुछ आपको फील करवाता है, वो जो कंफर्ट जोन है, दोनों अपने कंफर्ट जोन से जो निकलना नहीं चाहते थे पहले, कंफर्ट जोन में रहते थे तकलीफ के बाद भी, क्योंकि तकलीफ से ऐसा है कि वही कम्फर्ट जोन उनका हो चुका है, उसी में उनको कंफर्ट मिलता है, अलग से कुछ चीज़ें उनको फील करने को मिलेगा तो वो डर जाते हैं, उनका सोल डर जाता है, तो वो डर जाते हैं, तो उनका सोल तो वही चीज़ चाहता है अलग चीज़ करना, लेकिन वो नहीं चाहते क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो इसीलिए उनका सोल नज करता है, उनका सोल मतलब फोर्स करता है, पुश करता है कि नहीं मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये करना है, तुम करो। तो आपको तब करना पड़ता है, क्योंकि सोल जब कुछ करने को ठान लेता है ना कि भाई मेरे को वो चीज़ चाहिए, जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिलती है वो शांत नहीं होता है। अवेकेंड सोल ऐसा ही होता है, अवेकेंड सोल जब तक अपने हाईएस्ट फॉर्म में बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं आएगा ना, तब तक वो शांत बैठने नहीं देगा, आपको झंझोर कर रख देगा, या तो आपको टूट के पूरा बिखर आपकी ज़िंदगी बिखर जाएगी, या तो आपको एकदम आप फ्लाई करने लगोगे। जो लोग कुछ काम नहीं करते इतना कुछ करने होने के बाद भी चुपचाप वही कंफर्ट जोन में रहते उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, और जो लोग ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करना शुरू करते हैं उनकी ज़िंदगी फिर से खूबसूरत बन जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो ब्यूटीफुल सोल एकदम हाईएस्ट वाइब्रेशन में जाते हैं, न्यू बिगिनिंग होती है उनकी ज़िंदगी में। और ऐसे ये मत सोचो कि ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी ऐसे ही रह जाएगी, आप लोग की सोल ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, सोल तो ट्रांसफॉर्म करके ही रहेगा, क्योंकि आप लोग डिवाइन का पार्ट हो ना, इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, डिवाइन का सोल्जर हो, तो डिवाइन तो वैसे ही आपको बनाते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए आपको तो अवेकन होना है और आपको ट्रांसफॉर्म होना है आपके सोल को, क्योंकि मेरा काम कौन करेगा, फिर आपको भी काम करने के लिए भेजा है भगवान ने, वो काम तो करना है, तो वो भगवान आपको काम करवा के ही छोड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि कैसा हीलिंग होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है ये सब चीज़ें,
ये सेपरेशन मोड, ये इन एंड आउट चीज़ें क्यों होती हैं, डिवाइन फेमिनिन कैसे होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन कैसे होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन असल में होते तो बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट है, बहुत लविंग होते, प्यार रहता है उनकी ज़िंदगी में, हेल्पफुल एटीट्यूड रहता है, लेकिन उनके आसपास में इतने टॉक्सिक इन्वायरमेंट बन जाता है ना कि उनको ब्लैक लोग से उनका जो लाइट है वो कवर कर देता है नेगेटिव एनर्जीज, ताकि वो शाइन ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि लेकिन कुछ भी करो भाई, शिव की शक्ति को कोई भी रोक पाएगा? डिवाइन का लाइट को कोई रोक पाएगा? सूरज की रोशनी को कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। वो तो उभर, जितना भी चंद्रग्रहण हो जाए, सूर्य ग्रहण हो जाए, वो तो अपना लाइट फैलाता ही है, अंधेरा कभी नहीं रहता है सूर्य ग्रहण होने के बाद भी। तो वही बात है, लाइट तो फैलेगी, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डार्क एनर्जीज में उतना पावर है ही नहीं, है ही नहीं। अगर पावर होता तो कब का वो इस पृथ्वी को ख़त्म कर देता, देखो ना, ख़त्म कर पा रहा है। जो लोग नेगेटिविटी में फोकस करते वो लोग फोकस करेंगे नेगेटिविटी में, लेकिन जो लोग पॉजिटिविटी में फोकस करते हैं, जो इतने अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे इस क्राइसिस के टाइम में भी, कितना अपने जान की खतरा करके भी, खतरा जान को पता है खतरा है, फिर भी बाहर जाके लोगों को हेल्प करें, मदद करें, गरीबों को खाना खिला रहे, इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे, वो सब काम देखो क्या वाइब्रेशन है उनकी, क्या बात है उनकी, कोई नेगेटिव एनर्जी उनको स्टॉप नहीं कर सकती। भगवान का आशीर्वाद जिनके सर पे होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं, ट्रस्ट मी गाइस। और डिवाइन, ये ट्विन फ्लेम्स को तो भगवान का बहुत आशीर्वाद रहता है, बहुत आशीर्वाद रहता है, बहुत प्रोटेक्शन रहता है। सो लव एंड लाइट टू यू गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया है ये जर्नी के बारे में। आप मुझ में जितना भी नॉलेज था, जितना भी मैं जितना भी जानती हूँ, थोड़ा बहुत शायद मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को बता पाऊँ, समझा पाऊँ, ताकि आप लोग अच्छे से अपना हीलिंग में ध्यान दो। हीलिंग का मतलब ये नहीं है, हाई वाइब्रेशन का जाना मतलब ये नहीं है कि अपना पेन भूल जाओ और खुश रहने का नाटक करो, नहीं। पेन, हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए पेन से गुजरना पड़ेगा, आपके पेन को समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, उन पर वर्क करना पड़ेगा, ताकि वो जो पेन है वो हील हो जाए, धीरे धीरे एकदम हील हो जाए, एकदम हील हो जाए, ताकि आपको टैप भी करो आपको कोई दर्द फील ना हो, ऐसा हील होना है। ठीक है, तो दर्द से भागना नहीं है, हाई वाइब्रेशन का जाना ये मतलब नहीं है कि दर्द से भागना है। हाई वाइब्रेशन का मतलब जाना ये है कि हाई वाइब्रेशन में आने के लिए आपके अपने दर्द को हील करना पड़ेगा, दर्द को फील करना पड़ेगा, दर्द के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो इंसान भागता है करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल होती है वो चीज़ें करने के, बहुत दर्द होता है, दर्द में पट्टी करना, ये सब चीज़ लगाना, तो बहुत तकलीफ़ होता है उसमें, तो वो तकलीफ़ से, वो डर से भागता है, तो उससे भागना नहीं है, तभी आप हील हो पाओगे, हाई वाइब्रेशन में आ पाओगे। ठीक है, तो यही मैसेज था मेरे लिए आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट होता हो, आप फील करते हो। लव एंड लाइट टू यू गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट कीजिए, आपका कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको साथ रेजोनेट हो रहा है कि नहीं बताना प्लीज़ मुझे बताइए, बहुत अच्छा लगता है। लव एंड लाइट टू यू गाइस, आई होप सब लोग बहुत बहुत खुश रहो, आपकी ज़िंदगी में नई बिगिनिंग आए, हीलिंग हो, डीप हीलिंग हो, इनर चाइल्ड की हीलिंग हो, सेल्यूलर लेवल से हीलिंग हो, ताकि आपकी ज़िंदगी में कहीं भी जब किसी भी जगह पे आप टैप करो तो आपको तकलीफ ना हो, आप खुश रहो, आपको बोलो कि सारा तर चला गया है मेरा, कोई दर्द नहीं है, आप हंस सको, और आप पीछे मुड़ के फिर सोचो कभी कभी कि ऐसा भी मेरा ज़िंदगी था जो मैंने सोचा था कि कभी इससे निकल नहीं पाऊँगी, लेकिन आज देखो मैं किस जगह पर हूँ, और आप हंस पड़ो अपनी ज़िंदगी पे खुद। ठीक है, तो लव एंड लाइट टू यू गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट।